बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूस ने अफगानिस्तान में अपनी फौज कब उतारी? सही जवाब है 25 दिसंबर 1979 में। बच्चा सरकार ने कितने अरसे तक हुकूमत की? 8 माह। बच्चा सरकार ने काबुल पर किस नाम से हुकूमत की? सही जवाब है हबीबुल्ला शाह गाजी के नाम से। अमानुल्ला खान के खिलाफ बगावत के बाद काबुल पर किसने कब्जा किया? सही जवाब है 1929 में हबीबुल्ला कलकानी उर्फ बच्चा सका ने। अफगानिस्तान के अमानुल्ला खान बगावत होने के बाद कहां फरार हुआ? सही जवाब है पहले कंधार बागा, फिर भारत और बाद में स्विट्जरलैंड में पनाह ली। अफगानिस्तान में हवाई फौज कब बनाई गई? सही जवाब है 1922 में। अफगानिस्तान के अमानुल्ला खान और अंग्रेजों के दरमियान मुआहदा कब हुआ? सही जवाब है 19 अगस्त 1919 में। अमानुल्ला खान और अंग्रेजों के दरमियान मुआहदा कहां हुआ था जिसके नतीजे में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल खत्म किया? सही जवाब है रावलपिंडी में। अफगानियों ने बरतानिया की फौज के एक हिस्से को कत्ल कर दिया था, बताइए 16,000 फौजियों में से कितने फौजी बाकी बचे? सही जवाब है सिर्फ एक। बरतानिया ने अफगानिस्तान पर कब कब्जा किया? सही जवाब है 1839 में। अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने काबुल की हुकूमत कब संभाली? सही जवाब है 1836 में। अहमद शाह दुरानी ने मरहटों को कब शिकस्त दी? सही जवाब है जनवरी 1761 में, पानीपत की तीसरी जंग में। अहमद शाह दुरानी को सरबराह कब बनाया गया? सही जवाब है 1747 में। अफगानिस्तान का बानी किसे कहा जाता है? सही जवाब है अहमद शाह दुरानी को। जहीरुद्दीन ने काबुल पर कब्जा करके अपना दारुल हुकूमत कब बनाया? सही जवाब है 1504 में। मौजूदा काबुल की जगह पहले कौन सा शहर आबाद था? सही जवाब है कोबा। किस शहनशाह ने काबुल को पहली दफा दारुल हुकूमत करार दिया? सही जवाब है शहनशाह बाबर ने। महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान पर कब्जा कब किया?
सही जवाब है 998 ईस्वी में। मुसलमानों ने अफगानिस्तान के इलाके को कब फतह किया? सही जवाब है 642 में।